की जय हो। बड़ा मोटा आदमी भारत माता की जय हो। श्री पद्मनाथ जी की ये पवित्र नगरी, आध्यात्मिक नगरी प्लास्मा को सर्वप्रथम मैं शीश झुकाकर नमन करता हूँ। वो जो प्यारे भाई जिन्होंने मुझे सौभाग्य दिया यहाँ आने का, पूरी मित्र मंडली, उनका हृदय से धन्यवाद करता हूँ। और जो आज इस भक्ति के सराबोर में आपको लिए बैठे हैं, जो इस भजन संध्या को मेरे प्यारे भाई अभी हर हर शंभु सुना रहे थे, उनकी आवाज वाकई ही दमदार है, अभी तक सुनी थी, उनकी पूरी टीम को मैं धन्यवाद अर्पित करता हूं। स्थानीय जो पुलिस अधिकारी हैं, पुलिस कर्मचारी हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे ज्यादा जहां जहां माताएं बहनें बैठी हैं, सभी के चरणों में मैं अपना शीश झुकाता हूं। हम उम्र साथियों को धन्यवाद देता हूं, और जो इस मंच का संचालन कर रहे हैं, जिनकी ओजस्वी वाणी आप सभी सुन रहे थे, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। दूंगा भी नहीं, और ज्यादा समय है भी नहीं, बात यहां से प्रारंभ करता हूं। उत्तर प्रदेश में कि एमपी रहे हो, जब ये प्रोग्राम बनाने लगवा था, जब बात हुई थी, तो मैंने ये कहा था कि भाई मैं आ नहीं पाऊंगा। इसलिए नहीं कि मैं आना नहीं चाहता, बल्कि इसलिए कि मुझे वहां आने नहीं दिया जाता। मैं बिल्कुल दावे के साथ कह रहा हूं, आपकी जो ये आध्यात्मिक नगरी है, इसमें वो दम है। 5 साल में पहली बार सरकार में मैं राजस्थान में घुसा हूं किसी प्रोग्राम को। 5 साल से मुझे बॉर्डरों पर रोका जा रहा है, और मेरी आवाज अशोक गहलोत जी तक चले जाए तो उनको भी धन्यवाद कि उन्होंने मुझे इस नगरी में आने का मौका दिया। वरना मैं अभी जालौर जा रहा था तो रानीवाड़ा के डिप्टी साहब आ गए बॉर्डर पर, चाय पिलाई और राणा जी यू कैन गो। ठीक है सर, प्रशासन में तो आपके हमारे भाई हैं। देखिए, एक पीड़ा होती है अगर 4-5 वर्ष आप अपने ही देश में बाउंड कर दिए जाएं। वो जरूरी नहीं मैं इसी सरकार की बात कर रहा हूं, सरकारों पर बात नहीं करता हूं मैं, सनातन पर बात करता हूं। यहां कोई और भी होता तो भी मैं वही बोलता कि मैं खुलकर बोलने का आदमी हूं।